Hello my dear students, assalamu Alaikum Ramdullah. Yeah, in the last video, we have discussed internet and its services www. That's World Wide Web. And uh, we have discussed the advantages and disadvantages of internet and the history of internet connect internet. And in this video We'll be going to discuss with you some common internet connectivity, some common types of internet connectivity, and we'll be going uh, to discuss about internet service provider and modem. To so what is an internet service provider? Yeah, as the definition suggests here, it's an organization which provides you with the access to the internet. एंड uh, जब भी आपको कुछ इंटरनेट uh, uh, की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस वक्त क्या करते हो तो इंटरनेट को इस्टबलिश करने के लिए आप प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता होगा उसके पास जाते हैं तो आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो इसका मतलब है कि दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइलप या तो वहाँ पे एक कम्बोडम की ज़रूरत पड़ेगी या डायरेक्ट मीन्स दैट डरेक्ट हार्ड वायर्ड या और वायरलेस कनेक्शन विद आउट वायर तो या तो आप वायर या तो मॉडर्न या तो वायरल कनेक्शन दिज आर द मतलब बेसिक जब कभी भी आपको इस्टबलिश कनेक्शन करना होगा कनेक्टिविटी तो इंटरनेट तो दिज आर द डिफरेंट समाइपस वायर यू कैन एक्सेस व इंटरनेट तो आप कनेक्टिविटी uh, अगर आप चूज़ करते हो तो क्या वो कनेक्टिविटी किस तरीके की होनी चाहिए या इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मतलब कौन सा वायर इस्तेमाल किया है इसने कोवक्शल केबल हैं या फाइबर ऑप्टिक हैं ऑप्टिकल फाइबर हैं या क्या है तो इसी आ, तो हमें ये पता चलता है कि जो स्पीड है या कनेक्शन टाइप है वो कौन सा है आपका आपके एरिया में तो इसकी स्पीड कैसी है जैसे कि हम आज स्मार्टफोन की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे तो हम 3G का यूज़ करते थे तो आज कल हम करते हैं 4G तो किसी सिटी में 5G का भी यूज़ करते हैं तो इसके हिसाब से इसका मतलब है कि तो जितना मतलब इंक्रीजिंग जी हम यूज़ करते हैं इसका मतलब इतनी इंक्रीज़ स्पीड होती जा रही है एंड uh, जो हमारे पास बड़े बिजनेस भी होते हैं या स्माल, स्माल टाइप के बिजनेस भी होते हैं तो जितने जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे पास या लार्ज यूनिवर्सिटीज़ हैं या बिगर इंस्टीट्यूशन या लार्ज बिजनेस है हमारे पास उनके लिए हमें लगता है उनके लिए हमें ग्रेटर कनेक्शन लगता है लार्ज कनेक्शन जो हमें जिस जो हमें लार्ज स्पीड देती हैं या मतलब हायर स्पीड जिनके जिन कनेक्शन जहाँ से हमें मिलते हैं हायर स्पीड तो वहीं हम यूज़ करते हैं लार्ज बिजनेस में या हम लार्ज इंस्टीट्यूशन में या किसी भी हायर कॉरपोरेट सेक्टर में तो इट डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वेदर हाउ मच बिगर योर बिजनेस इज़ तो जो हमारे होम यूजर्स हैं हम uh, नॉर्मली जो हम uh, यूज़र बैठे हुए हैं अपने घरों में तो वो जो कनेक्ट कनेक्शन हैं दे यूज़ कनेक्टिविटी सच एज डी एस एल डी एस एल या फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या केबल मोडम केबल मोडलेटर डे मोडलेटर या डायल कनेक्शन या ब्रॉडबैंड वायरलेस या वाई मैक्स या थ्री जी दीज आर द डिफरेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी तो uh, यह कनेक्टिविटी मतलब कैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूजर्स फॉर कस्टमर्स विद मोर डिमांड रिक्वायरमेंट्स में यूज़ हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसी तरह की जब हम अगर हम स्माल से लेके बड़े बिजनेस की ओर रन करना होगा तो इस वजह से हमें चाहिए कि जो हमारे कनेक्शन है इस्टेबल करना होगा तो वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज लाना पड़ता है हमें मतलब हम वी वॉन्ट टू इंक्रीज़ दिस कनेक्शन वी वान टू इनक्रीज अवर स्पीड ऑफ द नेट थ्रू दैट फुलफिल्स अवर लार्ज एरिया तो सच एज डी एस एल डी एस एल इज द हाइस्ट स्पीड तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन है इट गिव्स अस एक्सेस टू द हाइस्ट स्पीड एंड आई एस डी एन एट्सट्रा और इसके बाद है मोडम तो क्या है मोडम मोडम स्टैंड फॉर मोडलेटर डिमोडलेटर मीन्स दैट इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा फ्राम एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल तो हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है दैट वर्कस ऑन द बाइनरी सिस्टम इट्स ज़ीरोज़ एंड वंस तो हम वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र दिस वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम तो इस इसके लिए हमें एक कनेक्शन uh, इस्टेब्लिश करना पड़ता है तो हम एक कंप्यूटर सिस्टम से uh, को है मतलब कनेक्ट करते हैं दूसरे एक कंप्यूटर सिस्टम से तो हमने एक ट्रांसफ़र uh, करना है कोई भी टेक्स्ट उधर ग्राफिक्स वेदर ऑडियो और वीडियो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक करना है कम्युनिकेट तो कैसे करते हैं हम इट ए मोडर्न मोडलेटर एंड डी तो कैसे जो हमारा टेक्स्ट um, होगा या कोई भी फॉर्मेट होगा डॉक्यूमेंट वेदर वी वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर सिस्टम दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल तो इस डिजिटल को एनालॉग बनाने में हम एक uh, मीडियम रखते हैं वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम दैट इज़ डिजिटल टू एनालॉग तो फिर डिजिटल से एनालॉग तो हमने किया ही तो अब करना है हमें एनालॉग से ये डिजिटल तो एक वायर में आ गया इसका मतलब किया हमने कनेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर से लिया तो अब दूसरे कंप्यूटर को सेंड करने के लिए हमें और एक कनेक्शन चाहिए हमें और एक ट्रांसमिशन um, मीडिया चाहिए विच कन्वर्ट्स दिस डिजिटल दिस एनालॉग इनटू डिजिटल कैसे इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट ये एनालॉग सिग्नल जो है हमने जो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल बनाए अब ये जो एनालॉग सिग्नल है हमारे पास तो ये अनदर यूजर वुड नॉट एक्सेप्ट इट अंटिल इट इज़ बीइंग कन्वर्ट इनटू डिजिटल तो हमने वहाँ पे एक और ट्रांसमिशन uh, मीडिया रखना है विच कन्वर्ट दिस एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल तो उसके बाद जो हमारे पास डेटा होगा तो हमारा जो यूज़र हो अलग uh, हमारा जो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा तो दैट विल एक्सेप्ट मतलब दैट विल एक्सेप्ट तो इसलिए हमें दो कनेक्शन चाहिए एक जो डिजिटल टू एनालॉग और दूसरा जो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट कर सकता है तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉडेम का मोड मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉडलेटर एंड डी तो अगर आपने देखा होगा मॉडर्न ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड जब हम कनेक्शन यूज़ करते हैं जब हम लगाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम अपने घरों में तो वहाँ पे एक डिवाइस uh, हम कनेक्ट करते हैं दैट्स नोन एज मॉडर्न मॉडर्न स्टैंड फॉर मोडलेटर एंड डी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं सिग्नल और एनालॉग टू डिजिटल एंड सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने हैं जरूर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी अवेलेबल कौन कौन से है? एक ये एक टेबल दिया गया हुआ है वहाँ नीचे उसमें से आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी है लेफ्ट साइड और टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी क्या क्या कनेक्टिविटी क्या? के टाइप्स कैसे है? मतलब वायरड कितने हैं या वायरलेस कितने हैं तो यहाँ पर एक हैं डायलप इट्स वायर्ड डायल अप कनेक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्ट इंटरनेट जो कनेक्शन है हमारे पास डायल अप तो ये हैं वायर्ड तो इसमें हम वायर का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरा है डी एस एल विच स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो ये भी हमारा वायर्ड ही है और इसके बाद है केबल इंटरनेट एक्सेस केबल इंटरनेट एक्सेस ये भी एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है तो इसमें हम केबल टेलीविजन का यूज़ करते हैं तो ये भी वाई ऑर्ड ही है और वाई मैक्स वाई मैक्स है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस ये भी एक वायरलेस कनेक्शन है वायरलेस कम्युनिकेशन है मतलब वाईफाई वाई के जैसे हमारा वाईफाई होता है ये भी उसी टाइप का है ये हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करते हैं अक्रॉस uh, मतलब हमारे सिटीज़ में या किसी लोकल एरिया में तो इसी तरह हमारा थ्री जी थ्री जी जैसे कि हमारे पास आज हैं फोर जी इसी तरह टू जी भी था वो था सेकेंड जनरेशन और थ्री जी था थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जी फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन इसी तरह मतलब जितने uh, बढ़ती हुई चीज़ आते हैं लाइक थ्री फोर फाइव उतनी जो स्पीड है वो इंक्रीज जाती हैं हो जाती हैं तो ये तो भी ये भी वायरलेस कनेक्टिविटी है इसी तरह हमारे पास है वाईफाई वाईफाई तो आपने देखा होगा ये है एक मशहूर टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में कैसे कैसे मतलब कनेक्ट सच हमारे एक्सचेंज डेटा करने के लिए ये एक वाईफाई है मतलब कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना है वी आर मैंटेनिंग नेटवर्क यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी तो अप क्या होता है अप एक्चुअली इट्स एन इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन है ये जो एक्सेस यहाँ पे करते हैं हम इट्स ये है एक इंटरनेट एक्सेस हैं दैट यूज़ द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विचड टेबल केबल टेलीफोन नेटवर्क हैं पी एस टी एन तो इसमें से हम एक इस्टबलिश uh, कनेक्शन करते हैं इंटरनेट कनेक्शन तो यूजुअली जो हमारा हमारे पास एक कनेक्शन uh, होता है इट यूज एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टेलीफोन लाइन है टेलीफोन लाइन जो हमारे पास है तो वी आर कनेक्टिंग विद द टेलीफोन लाइन जो हम, हम अपने घरों में हैं तो ये जो डायल अप कनेक्शन है हम वी आर यूजिंग द मॉडर्न तो एक मॉडर्न भी लगाया है और एक हमारे पास जो एग्जिटिंग टेलीफोन लाइन है अपने घरों में तो उसके आगे हमने मॉडर्न बिठाया मॉडर्न को प्लेस किया तो यूजुअली हम करते हैं एक काम हम कंप्यूटर सिस्टम पे हम जो हमारी जो लाइन होती है उसको पिन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो फिर हम कनेक्ट करते हैं जो हमारा हमारे पास जो हमारे पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होगा तो हम उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक मेंटेन करते हैं एक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं जो जिसमें हम मतलब पाँच छः सेकंड लगते हैं तो उस तो फिर उसमें से बीपिंग साउंड आते हैं तो उस बीपिंग साउंड के फ़ौर बाद हमारा जो इस्टैब्लिश होता है कनेक्शन कैसे तो हम उसके साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद हम उसके साथ थोड़ा सा रबा करते हैं कि हमने कनेक्ट किया आप कंप्यूटर सिस्टम पे तो अब आप, आप कर लीजिएगा तो वहाँ से वो क्या करता है वहाँ से वो हमें एक्सेस करता है इंटरनेट तो जो ही उसने एक्सेस किया उस एक्सेस के दौरान हमारे पास एक डायल टोन आता है डायल टोन के फौरन बाद ही हम जुड़ते हैं हम कनेक्ट हम कोने हम वी आर गोइंग टू एक्सेस विद द इंटरनेट तो इसके फ़ौर बाद तो ये जो डायल अप कनेक्शन है तो जो डी एस एल हैं इन में से ये फ़र्क है यह डिफरेंस हैं इनके इन दो में कि ये जो डी एस एल हैं उसमें ज़्यादा है इन, आ, स्पीड ज़्यादा है तो और ये डायल एप जो है ये तो कम ही स्पीड है डी एस एल से तो ये जो डायल एप कनेक्शन हैं ये मोर एक्सट्रीमली स्लो हैं और इन मोस्ट केसेस और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि जो ये डायल अप है रिप्लेस हुई हैं आज हाई स्पीड कनेक्शन से सचैज़ डी एस एल या केबल मोडम से और क्या है डी एस एल डी एस एल जो है वो है एक्चुअली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो इसमें जो हमारा टेलीफोन कनेक्शन होता है तो हम टेलीफोन कनेक्शन जो हमारे पिंड होती है वहाँ पर तो हम उसको लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो पहले हम सिस्टम लगाते हैं जो हमारी पिन होती हैं वो हम सिस्टम में लगाते हैं तो क्या तो वो जो ट्रांसमिट करते हैं हम इजीली डिजिटल डेटा और वायरस कैसे वायरस की उसका हम यूज़ करते हैं कॉपर वायर्स का यूज़ करते हैं हमारे जो टेलीफोन वायर हैं उसमें मोस्टली केसेस में हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं तभी जो डी में स्पीड हैं वह ज़्यादा ही ज़्यादा हैं तो ये जो डी एस एल अलोंग विद वाई टेलीफ़ोन सर्विस ठीक और और एक बात जो हमारे पास डी एस एल है ये एक कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस भी हैं मतलब एक अच्छा कनेक्शन भी मिलता है अच्छी स्पीड भी मिल जाती हैं तो ये हो गया एक कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस पहले हमें ये करना होगा कि जो हमारे टेलीफोन कनेक्शन है उसको हमने पहले से रजिस्टर करना है कि हमने यहाँ पे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो आप रजिस्टर कीजिएगा तो रजिस्टर करने के बाद हम इजीली जो हमारी जो पिन होती हैं वो हम ईजिली लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो हम इजीली एक्सेस करते हैं इंटरनेट तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात तो हम इजीली फ़ोन कॉल भी रिसीव कर सकते हैं इसमें डीएसएल में तो उस डायल ऑफ कनेक्शन में हम फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे इजीली हम डीएसएल में एक फ़ोन कॉल भी इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को मतलब अगर हम किसी भी जगह फ़ोन को फोन करना होगा तो हम इजीली कर सकते हैं और हम नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यही फ़र्क रहती है इन दोनों में यह हुआ है डी तो इसके बाद है केबल इंटरनेट सिस्टम केबल इंटरनेट एक्सेस जिसको हम कहते हैं ये जो सर्विस हैं इट इेबल्स केबल ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड तो ये जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं तो इेबल टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड यूजिंग द सेम को एक्शल केबल दैट डिलीवर पिक्चर्स एंड साउंड टू योर टी वी सेट जो हमारे पास केबल सिस्टम लगी हुई है तो वही जो वायर है हमारे पास वी कैन एक्सेस थ्रू दैट वायर विद द सेम इंटरनेट फैसिलिटी तो जो हमारे पास मोस्टली केबल मोडम्स हैं एक्सटर्नल डिवाइस हैं दे हैव टू कनेक्शन क्या क्या एक तो केबल वॉल के लिए एक कनेक्शन है जो हमारे पास एक आपने देखा होगा वो मोडम जैसे हमारे पास रिसीवर जिसको हम कहते हैं केबल का भी एक रिसीवर होता है दैट्स नोन एज केबल मोडियम तो उसके पास दो वाल होते हैं दो कनेक्शन एक्सटर्नल कनेक्शंस होते हैं एक केबल वाल के लिए मतलब केबल टीवी को कनेक्ट करने में जैसे हम आओ, कोई भी इजली वाच कर सकते हैं कोई भी चैनल तो वो हो गई केबल एक वाल केबल के लिए तो दूसरे हैं आउटलेट हैं वो है कंप्यूटर के लिए जिसके मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट हम जुड़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू तो एक मिनट और, और, और ये जो केबल इंटरनेट एक्सेस हैं इट्स सिमिलर टू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और दैट्स प्रोवाइडेड ओवर एक्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस वो टेलीफोन लाइंस पे वर्क करता है और ये जो केबल इंटरनेट एक्सेस हैं ये वर्क करता है हमारे केबल सिस्टम पे तो इसके बाद हैं 3G जी थ्री स्टैंड फॉर थर्ड जनरेशन आह uh, and 4G fourth generation and fifth five G for fifth generation तो ये क्या इसमें क्या technology use करते हैं हम जस set of standards used for mobile devices तो and mobile telecommunication services and networks तो हम uh, mobile device का ka use करते हैं इसमें smartphone इसका use करते हैं तो इसमें से इसमें जो हमारे हमारी जो technology है uh, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ थ्री जी या फोर जी या फाइव जी तो हाई स्पीड डाउनलिंग पैकेट एक्सेस एच एस डी पी ए एक ये हमारे पास थ्री जी में कम्युनिकेशन uh, प्रोटोकॉल uh, है दैट अलाउज़ हायर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स एंड कैपेसिटी तो अगर आपका मोबाइल जो है मोबाइल स्मार्टफोन उसके वो आपको सपोर्ट करता है थ्री जी तो इसका मतलब है यू कैन सब्सक्राइब टू थ्री जी कनेक्टिविटी तो अगर आपका मोबाइल फोर जी सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि आप फोर जी को फोर जी कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं इसी तरह फाइव जी को फाइव जी फ़ोन फाइव जी कनेक्शन करता है इस्टबलिश तो यह है आपके मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपके एरिया में लोकल एरिया में आप फोर जी हैं वहाँ पर या थ्री जी हैं टू जी हैं कैसा कनेक्शन है तो इसी हिसाब से आपका जो फ़ोन है जो यूज़र है तो वो इस्तेमाल कर सकता है इजीली। इन ऑर्डर टू गेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन तो उसके बाद है वाई मैक्स वाई मैक्स क्या है ये भी एक वायरलेस कनेक्शन है उसमें वायर की जरूरत नहीं है स्टैंड फॉर वायर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस तो ये सिस्टम डार डिज़ाइन टू तो प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज़ एंड कंट्रीज थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइस तो हम एक काम कर सकते हैं अगर हम आ, एक होम में बैठे हुए हैं पाँच छः बंदे तो हम एक वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो सब बंदे एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी तो इसी तरह ये जो वाई मैक्स हैं ये हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं किसी ऑफिस में या किसी होम uh, में तो uh, जैसे कि बहुत सारे यूज़र बैठे हुए हैं अलग अलग से रूम में तो वो उनका एक्सेस uh, कर सकते हैं इजीली कनेक्ट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्टिविटी तो इसमें क्या कर सकते हैं हम ये हैं लॉन्ग रेंज सिस्टम और विच कवर्स मैनी किलोमीटर्स तो हम एक uh, ये लिमिटेड एरिया होम को कवर्निंग uh, मतलब इसका जो रेंज है दैट इज कैटर्ड ओवर मैनी किलोमीटर्स और जो ये यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है वो डीएसएल या केबल इंटरनेट एक्सेस डीएसएल और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज दिस कुड बी डिफिकल्ट इन लेइंग आउट केबल फॉर होम रोम रिमोट लोकेशन बट नीड एक्सेस टू द इंटरनेट जी हाँ जो ये वाई मैक्स है हमारे पास इट डजेंट यूज़ डी एस एल और केबल इंटरनेट एक्सेस क्योंकि ये जो डी एस एल है या केबल इंटरनेट एक्सेस हैं ये वायर्ड है तो ये जो वाई मैक्स है हमारे पास ये है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तो अगर हम डी एस एल की बात करें यहाँ या केवल इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो इसमें हमारा जो कनेक्शन रहेगा वो वायर्ड रहेगा और इट वुड भी डिफ़िकल्ट ये हमारे पास ये एक मुश्किल का सामना कर, करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि फिर होम्स में लगाएंगे अलग अलग से पॉइंट एक एक रूम में तो इट इज़ वेरी मच हेक्टिक तो इसके बाद हैं वाईफाई वाईफाई क्या है वाईफाई वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी तो वायरलेस फिडेलिटी क्या होता है ये एक यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो हाँ, विच यूज़ रेडियो फ्रिक्वेंसीज रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा और जो हमारे पास वाईफाई होता है वाईफाई फाई अलाउज़ एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ केबल और वायरस इसमें भी केबल और वायर सिस्टम का हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एक uh, क्या है वायरलेस टेक्नोलॉजी है और हम वाईफाई नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जैसे कि हमारे हॉट स्पॉट कनेक्ट करते हैं एक अगर हमें दो स्मार्ट फ़ोन का कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक फ़ोन पे हम वाईफाई ऑन करते हैं और दूसरे सिस्टम पे मोबाइल हॉट स्पॉट तो हम जो एक फ़ोन में जो डेटा होता है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे फ़ोन में और जो दूसरा फ़ोन हो जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इसमें से हम इसको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेक्स्ट ऑडियो वीडियो क्लिप्स कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कैसे ये जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन दैट्स नोन एज ये हमारा वाईफाई होता है या आज आजकल के आजकल हम वाईफाई को देखते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स में या कॉफ़ी शॉप्स पे होटल्स पे एयरपोर्ट्स या रेलवे इस्टेसनस पे कॉन्वेंशन सेंटर्स पे पार्कस में हम देखते हैं वाईफाई फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर करते हैं इस फ्री इस्तेमाल फ्री वाईफाई का जो लाभ उठाते हैं लोग वहाँ पे तो फिर डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे तो आपने डेटा ट्रांसफ़र का नाम सुना ही होगा जैसे कि हमारे पास एफ़ टी पी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसकी मदद से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी डेटा या आइटम तो अगर आप अगर हम बात करेंगे कि एक आ, दो पर्सनस हैं एक यहाँ पे बैठा हुआ है और एक आ, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठा हुआ है तो वो जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है डेटा उस उस पर्सन से जो सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड तो उसके उसमें हम क्या करते हैं कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वही यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे ये जो हमारे पास इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज तो हम देखते हैं कि जो हमारे आ, डेटा जो होता है ये कैसे होता है कैसे बनता है ये डेटा हमारा तो इट्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पीसेज डेटा जो है पैकेट्स का बना हुआ है तो ये जो पैकेट छोटे छोटे पैकेट जो हैं यही uh, जो uh, मतलब जुड़ते हैं फिर ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है हम उस उससे तो अगर हम बात करेंगे जो डेटा होता है वन बिट ऑफ डेटा तो इट कम्प्राइज ऑफ मिनी पैकेट स्माल पैकेट्स जैसे वेब पेज वेब पेज है हमारे पास ये भी इसमें से हमने बहुत डेटा का इस्तेमाल किया है एक वेब पेज को बनाने में तो ये जो वेब पेज हैं इसमें बहुत सारे डेटा पैकेट्स हैं तभी तो ये डेटा बन गया फिर उसके बाद एक वेब पेज हमने बनाया जो फिर हम वेब पेज बहुत मख्त वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं तो एक वेबसाइट बनती हैं जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इसको इंटरनेट पे तो एक हेडर ऐड करते हैं हम ईच पैकेट को ये जो डेटा है ये कहाँ से आ गया एक हेडर को इसको आ, मतलब हम एक हेडर को ऐड करते हैं एक एवरी पैकेट को इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डेटा है ये कहाँ से आया है और ये मतलब कहाँ पे एंड होता है एंड ये कहाँ पे मतलब कहाँ से जुड़ता है मतलब एक पैकेट को दूसरे पैकेट पैकेट में हम लिंक करवाते हैं तो यही जो लिंक होता है तो कहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है कहाँ पे एडजस्ट होता है दूसरे डेटा पैकेट में इससे पता चलता है डेटा पैकेट में एक हेडर होता है और जो हमें पता जिससे हमें पता चलता है कि डेटा कहाँ से आया हुआ है, है और और क्या बात और एक वायर इट शुड एंड अप तो पे खत्म होगा एंड वायर इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स दूसरे पैकेट्स पे तो एवरी पैकेट जो होता है इट्स सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अनटिल इट फाइंड इट इज़ डेस्टिनेशन तो जो कोई भी पैकेट होगा वो हम ट्रांसफ़र करने समय हमें दिमाग में ये आ, मतलब रखना है कि हम पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन जिस वक़्त इसका एंड होता है डेस्टिनेशन होता है तो उसके बाद ख़त्म ही होता है उसके बाद कोई पैकेट जो हमारे पास है वो सेंड नहीं होता है तो इच कंप्यूटर ऑन द वेड वेयर टू नेक वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट तो जब हम कनेक्शन इस्टब्लिश करते हैं तो एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन एड्रेस तो हमें ये पता चलता है कि किस कंप्यूटर uh, सिस्टम पे हमें डेटा को सेंड करना होता है डेटा पैकेट्स को सेंड करना होता है क्योंकि ऑलरेडी हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है तो वेर इट ऑल पैकेट्स मे नाट टेक द सेम रूट टो ऑल पैकेट्स में नाउ टेक द सेम रूट फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं तो दो पर्सन चैट करते हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेंटर एक होता है और रिसीवर होता है कोई भी तो हमने एक फ़ोन से किया चैट तो लेकिन इसी फ़ोन से हम दूसरे बंदे से चैट करते हैं तो हम एक मैसेज मतलब एक सेकंड में एक को मैसेज देते हैं और दूसरे सेकंड में दूसरे बंदे को मैसेज देते हैं जो एक सेकंड में एक बंदे को मैसेज देते हैं वो यहीं पे लोकल होता है जो दूसरे बंदे को मैसेज देते हैं वो अलग सेकेंडरी में होता है तो इस हिसाब से जो हमारे पास एड्रेस होता है उस दूसरे बंदे का कहीं ना कहीं ये जो लोकल होता है इसमें भी इतना ही टाइम लगता है और जो फॉरेन होता है उसमें भी इतना ही टाइम लगता है क्यों क्योंकि इसके पास एक सिस्टम होता है मतलब एक एड्रेस होता है एड्रेस के थ्रू ये जो हमने मैसेज दिए हैं वो हैं एड्रेस के ऊपर तो अगर हमारे अगर हमारा एड्रेस नहीं होगा तो हम एक सिस्टम एक फ़ोन पे एक ही बंदे को मैसेज दे सकते हैं यही आ, कोई भी डेस्टिनेशन मतलब किसी कस्म की डेस्टिनेशन होगी हमारे पास हम ये जो पैकेट्स हैं दे आर बीइंग एग्जामिनड तो अगर कोई भी पैकेट पानी पैकेट्स और मिसिंग या डैमेज हो सकता है कोई भी पैकेट एक मैसेज आती आस्किंग फॉर देम टू बी रिसेंट मतलब इसको आप डिलीवर करो एक और बार फॉर एग्जांपल कोई हल्का फुल्का एरर आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो हम आडियो फाइल्स या वीडियो क्लिप्स हम ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक तो कोई भी एरर आया तो वन फाइल नॉट सेंट या वन फाइल अनसेंट दिखाते हैं वहाँ पे एक मैसेज तो इसका मतलब है कि रिट्राई तो हम रिट्राई करते हैं दूसरे तो एरर गायब होता है तो उसके बाद फ़ौर बाद ये सेंड होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक तो द पैकेट्स दैकेट्स रिशेम्बल ऑरिजिनल फॉर्म ऑल इज़ डन इन सेकेंड्स तो फिर आ, क्या होता है जो असम्बल होता है रे होता है फिर उसके बाद एक धरती बन जाती है उसमें पैकेट्स में तो ऑल आर डन ये होता है ये काम एक मतलब चुटकी में होता है आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको यूनिट एंड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन तो आपने ये ऊपर वाले जो कुछ भी हमने देखे हैं ये इंटरनेट कोनेक्शन हैं तो कैसे आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं तो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कैसे हम इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं या कौन कैसा है एक कौन वायर्ड है या कौन वायरलेस कनेक्टिविटी है तो कौन कितना चीप है और कौन कितना एक्सपेंसिव है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे वट इज़ द पर्पज़ ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन तो पर्पस क्या है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में तो आपको इसका आंसर देना है तो विल यू यूज़ द कनेक्शन रेगुलरली आप कनेक्शन रेगुलरली uh, इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में या करते हैं आप डेली uh, बेसिस पे तो हाउ मच डेटा विल बी डाउनलोड ऑन एवरेज पर मंथ तो आप कितना डेटा का इस्तेमाल करते हैं कितना आप डाउनलोड करते हैं मंथ एवरेज तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं तो इनका आंसर आप लिखना कॉमेंट सेक्शन में जाके तो इट्स फॉर टुडे और आ, और एक दो हाउ मच स्पीड डू यू नीड टू कितनी स्पीड आपको चाहिए और हाउ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल इन योर पर्टिकुलर सी टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलर एरिया वेदर इट इज थ्री जी फोर जी क्या है व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल तो कौन कौन से प्लान अवेलेबल हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको मिलता है एयरटेल एयरटेल प्लान तो अलग से हैं जियो वाले अलग देते हैं तो कौन सा प्लान अपने आप यूज़ करते हैं इस दौरान लिमिटेशन और कैच वाला सेलेक्ट प्लान क्या लिमिटेशन है क्या कुछ ड्राई ड्रॉबैक हैं आपके प्लान में यही तो ये भी एक टेबल दिया गया है आप एक कंपेयर कर लीजिए सब्सक्रिप्शन प्लान क्या क्या है आई कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और प्लान नेम भी लिखना है इसमें So, तो डाउनलोड स्पीड भी लिखने हैं और लिमिट भी लिखना है डाउनलोड और फ्री मॉडम तो आई थिंक इट्स टुडे तो आप देख लीजिएगा वेदर uh, आपको कोई भी uh, परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना थैंक यू थैंक यू ऑल